हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शांतनु प्रियदर्शी आप सभी लोगों का आज के इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 200 सब्सक्राइबर और 300 घंटा वॉच टाइम पूरा करने के बाद आज हम फिर से पटना को एक्सप्लोर करने के लिए P&M मॉल जा रहे हैं और वहां जाकर ब्रह्मास्त्र मूवी जो कि कल ही आई है उसे देखने वाले हैं और ये पूरी मूवी अपने फैमिली के साथ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, 40 किलोमीटर की जर्नी को एक घंटा में कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब P&M मॉल पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, 10:30 से शो है और 11 बज चुके हैं और अब हम यहां पे पहुंच गए हैं। तो आधा घंटा का शो छूट गया है, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और पीछे से भैया लोग अभी आ रहे हैं। मैं लिफ्ट से पहले ही ऊपर आ गया। दोस्तों, इस वक्त आधा मूवी खत्म हो चुका है, इंटरवल हो चुका है और अब हम लोग बाहर आए हैं। भैया पॉपकॉर्न लेने के लिए गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे भीड़ लगे हुए हैं और ये सारे भीड़ ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए ही लोग यहाँ पे आए हैं। और अभी तक तो इंटरवल से पहले सिर्फ नागार्जुन का और बनारस का किस्सा बताया गया है और इंटरवल के लास्ट सीन्स में इसमें रणबीर कपूर को अपना पावर का यूज पता चल जाता है। तो ठीक है, अब वापस अंदर चलते हैं और पूरा मूवी देख करके आपको रिव्यू दे देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में बता देता हूँ। तो ब्रह्मास्त्र मूवी में जो VFX यूज किया गया है वो नेक्स्ट लेवल का है, एक हॉलीवुड मूवी का याद दिला देता है। और इसकी जो एक्टिंग है, आलिया भट्ट की एक्टिंग है, रणबीर कपूर का एक्टिंग है, ये सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे एक्टिंग में सारे एक्टर्स को बीट कर दिया है रणबीर कपूर। और इस मूवी में जितने भी हीरो का एंट्री है वो एक नेक्स्ट लेवल का एंट्री है। और काफ़ी इसमें सबसे अच्छी एंट्री जो मुझे लगी है वो शाहरुख खान का लगा है। तो उनकी एंट्री काफ़ी ही नेक्स्ट लेवल की एंट्री की गई है। और भी मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, नागा अर्जुना का तो खैर एक्टिंग के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और फिर इस मूवी में VFX का इतना ज़्यादा यूज हुआ है, उसके वजह से इस मूवी का स्टोरी और इस मूवी के जो सीन्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है। तो अब हम सभी लोग मूवी तो देख लिए, तो अब कुछ खाने के लिए हम लोग फूड की तरफ चलते हैं और क्या क्या खाते हैं वो सभी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। भटूरे खाने के बाद अब KFC की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि भाभी दीदी क्या क्या ऑर्डर की हैं। तो दोस्तों, KFC में चिकन ट्राई करने के बाद अब फिर से बिरयानी ग्रिल्स के पास फूड कोर्ट में आ गए हैं और अब हम यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए, भैया का इच्छा हो रहा है तो भैया गए हैं बिरयानी ऑर्डर करने के लिए, तो अब बिरयानी खाएंगे। तो दोस्तों, बिरयानी ग्रिल्स का तो बिरयानी बहुत तगड़ा लगा, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग ने एक प्लेट और ऑर्डर किया
तो उसके उसको खाने के बाद अब हम सब स्मार्ट बाज़ार में जा रहे हैं, क्योंकि किशन को कुछ शॉपिंग करना है। तो अब मैं आप सभी को, और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये स्मार्ट बाज़ार P&M मॉल में ही स्थित है। तो अब हम लोग स्मार्ट बाज़ार की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट बाज़ार में सारे शॉपिंग्स हो गए हैं और किशन और भैया इस वक्त बिलिंग करवा रहे हैं। और अब हम यहाँ से बाहर मॉल के वापस से P&M मॉल की तरफ चलते हैं, और वहाँ भी किशन को कुछ शॉपिंग करना है। बेसिकली आज उसी के शॉपिंग के लिए ही पटना आए हैं, क्योंकि कल वो पुणे जा रहा है, कल या परसों वो पुणे जाने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट बाज़ार से शॉपिंग करने के बाद अब हम और किशन सभी लोग जॉकी के शोरूम के में आ गए हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि किशन को शॉर्ट्स और ट्राउज़र लेना था, तो इसीलिए हम लोग जॉकी के शोरूम में आ गए हैं। और ये शोरूम P&M मॉल के अंदर ही मौजूद है। मैं आप सभी को इस मॉल के का कुछ सीन्स दिखा देता हूँ, कुछ एक टूर दे देता हूँ। तो दोस्तों, सामने आप जो ये गेट देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है और ये एग्जिट गेट है। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे मूवीज़ का इस जगह पे पोस्टर लगाया गया है, जो कि कुछ मूवीज़ पहले जो हिट मूवीज़ हैं उन्हीं का सिर्फ यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का यह ब्लॉग का अंत करता हूँ, और आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ख़राब लगता है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता दें कि क्या क्या आपको इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और मैं अपना इम्प्रूवमेंट देने के बहुत पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।